हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्सीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ तेरे बिन बैंड इंडिया गॉट जेलस एंड डिलीटेड तेरे बिन फ्रॉम यूट्यूब। क्या कोई चांस है कि यूट्यूब पर फिर से वैसे ही सब कुछ सॉल्व होने के बाद एपिसोड्स आने लगे? 21 एपिसोड आने वाला था, तो वो क्या अपलोड होगा? तो पहले ये वीडियो देखते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मुझे बहुत ही दुख के साथ बनानी पड़ रही है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली का ऐसा ड्रामा जिसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। उसका हर एपिसोड ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा और उसका OST न जाने कितने दिन तक इंडिया में यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रहा और इंडिया की जी म्यूजिक कंपनी से शायद ये बर्दाश्त ना हुआ। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ड्रामे बनाए हैं जिन्होंने इंडिया की सड़कें भी सुनसान कर दी थी, जब यूट्यूब का दौर नहीं था और ड्रामे के टाइम पर रोड बिल्कुल सुनसान हो जाते थे। लोग पूरा पूरा हफ्ता इंतजार करते थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। वहां के लोगों ने सरेआम ये बात कहने लग गए कि पाकिस्तान के ड्रामे इतने बेहतरीन होते हैं कि हकीकत के करीब लगते हैं। इस बात को देखते हुए इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री को ये खतरा लाहक हो गया, ऐसा ना हो कि हमारी आवाम इंडिया के ड्रामों को छोड़कर पाकिस्तानी ड्रामों को ही बस देखने लग जाए, तो इस तरह से तो इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जी म्यूजिक कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं थी, उसने जियो के इस ड्रामे के हर OST पर, हर टीजर पर, हर प्रोमो पर वार्निंग 50 स्ट्राइक्स भेजी कि अगर आपने ये वीडियोस रिमूव ना की तो हम आपको स्ट्राइक भेज देंगे। अब क्या मामला क्या है? मामला यह है कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जरा सी धुन जो है वो कॉपी थी, किसकी? ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। अब इसकी धुन जो है वो जरा सी उससे मिलती जुलती थी। अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो पाकिस्तान के 1985 के गानों को भी इंडिया में रीमेक किया गया, उसकी धुन को कॉपी किया गया। अभी जो शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज हुई है, उसका जो मेन गाना है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, बेशरम रंग, उसके बारे में भी सजाद अली ने कहा कि ये गाना मैंने पता नहीं कितने साल पहले गाया था, इसकी धुन को कॉपी किया गया है। लेकिन सजाद अली ने तो कोई स्ट्राइक नहीं भेजी। पहले भी मैं आप लोगों को सबूतों के साथ दिखा चुका हूं, सुनवा चुका हूं, एक बार फिर आप जरा गौर से सुने कि इंडिया ने पाकिस्तान के कितने गानों को छापा है, कितने गानों को कॉपी किया है, चोरी किया। तो चलिए जरा देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपकी जीव म्यूजिक कंपनी ने ये सब ठीक किया है या गलत। गलत है। इतने सारे कॉपी हुए हैं तो स्ट्राइक या क्लेम मारो। जी म्यूजिक मार सकता है तो थोड़ा सा प्यार। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। बहुत कॉपी है यार बॉलीवुड इंडिया में, तो बहुत कॉपी है पाकिस्तान के, पाकिस्तान से जो किए गए। लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना।
तेनु रब ने बनाया जी कर देख दारवा कितना प्यारा तुझे। ये पहले वाला है, वो नया वाला था, दोनों थे इंडिया के। ये ओरिजिनल है नुसरत साहब। ओहे बारियां ते नाले कंदा टपके तू आ जावी हवा बनके। ओहे बारियां है ओहे बारियां ओहे बारियां नाले कंदा टपके मैं आवांगी हवा बनके। ओहे बारियां है ओहे बारियां ओहे बारियां ते नाले कंदा टपके मैं आवांगी हवा बन के। ऊहे बारियां है ऊहे बारियां बिना लेकना टपके आवांगी हवा बन के। ऊहे बारियां है ऊहे बारियां कदी ते हसना हो जिवे ना जिंद साडी रोन वे कदी ते हसना हो जिवे ना जिंद साडी रोन। क्या गाना बना दिया। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू। फुल फुल छापे हुए गाने हैं भाई, फुल फुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ मारती क्यों नहीं है यार। पेट तो पूरा पूरा पड़ सकता है, क्यों नहीं मारते। पूरा छापो हुआ है बिल्कुल। ख्वाबों के कारवां में रात चलती है। ओ, कल सब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। दिल रुबाओं के जलवे खाऊंगा, दिल रुबाओं के जलवे। हुस्न वालों से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने। हुस्न वालों से पूछो कैसे खत्म होंगे बहाने। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल हिंदुस्तान जा जा। ये भी हो अब कान से सैंडल लगा के फोन तो नहीं पहन सकती ना। देखो मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम चाय बना लेना। क्या बनाया नाश्ते में? ब्रेड। अब सैंडल कान में लगा के फोन पहनने से तो मेरी नाश्ता बना के मैंने किचन में रख दिया है, तुम बस सिर्फ चाय बना लेना। क्या बनाया है? अरे जल्दी करो ना। मूवी ड्रामा ये सब कुछ सीन्स। ये क्या किया तुमने? क्विकली जल्दी करें, जल्दी करें। ये लो। What is this? नश पंजाब वाला भी लेटेस्ट में से कॉपी है। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच। नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब। अरे यार यार
नाजिया हसन। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरा इश्क मेरा फितूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया। जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया। जोड़ी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, तेरे बाजू नींद रानी आंदियां, सारी रात लावांगड़ाइयां। अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है, आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। जड़ा में नजारा जदों की तस्वीर दा पैंदा है पुने कामनों सोनी ससीर दा। काला शा काला सूट पावा मैं जिन्नी बाहर फॉलो कर देने कि वे जावा मैं कर दे बाहर। काला शा काला निकाला सा काला मेरा काला है दिलदार, ते गोरियां नु फरा करो ते गोरियां नु। अनगिनत अनलिमिटेड गाने हैं सिटी, बहुत बहुत खूब। मैं आपको लातादाद गाने बता चुका हूं जो कि इंडिया ने पाकिस्तान से छापे हैं, और हमारे एक्टर्स ने हमारे सिंगर्स ने सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर एक पोस्ट लगाई या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई कि कम से कम मुझसे पूछ ही लिया और करो। अगर हमारे सिंगर्स इतना बड़ापन दिखा सकते हैं, और हमारी फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने अपनी फिल्मों पर करोड़ों रुपए लगाए थे और उन्होंने लाखों रुपए सिंगर्स को भी दिए थे कि ये गाना हम आपका परचेज कर रहे हैं, उन गानों को इंडिया वालों ने खूब छापा है, लेकिन हमारे लोगों ने स्ट्राइक नहीं दी क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में बुरा भला कहे। लेकिन जी कंपनी ने ये सब कुछ करके यकीन जाने पाकिस्तानियों का और इंडियंस का दिल दुखाया। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने, आप जाकर देखें मेरी लास्ट वीडियो के नीचे, इतने लोगों ने कमेंट लिखे हुए हैं कि जी कंपनी ने बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, और वो बुरा भला कह रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान का सबसे मशहूर और रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा मेरे पास तुम हो को इंडिया में डिटो कॉपी बनाया गया, उसके डायलॉग सेम टू सेम छापे गए। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर कपूर, जिस चीज की बोली आपने 10 करोड़ लगाई है ना, वो चीज कौड़ी की भी नहीं तो कौड़ी की भी नहीं। लेकिन उन्होंने तो कोई स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करके यकीन जाने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपकी जी म्यूजिक कंपनी ने ये सब ठीक किया है या गलत। मैं खुद कहता हूँ कि कंटेंट जो है इंडिया में बहुत कॉपी हो रखा है पाकिस्तान का कंटेंट जो है, तो मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है और हमें भी मतलब किसी भी एक म्यूज़िक कंपनी की वजह से हमें देखने को नहीं मिलेगा तेरे बिन, जो हम देख रहे थे इंडियन पब्लिक हमारी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी देख रही थी OST, वो हम नहीं सुन पाएंगे उस कंपनी की वजह से, सिर्फ एक कंपनी की वजह से जिसने फालतू में ही हल्की सी बीट जो उसकी कहीं कोई कह सकता है कि हाँ ये थोड़ी सी मैच कर रही है, बस इतनी सी बात पर उसने उन एपिसोड्स को हटवा दिया। तो यही कहूँगा कि जो जो पाकिस्तान से कॉपी किया हुआ है उस पर सब पे स्ट्राइक मारो, उड़वा दो यूट्यूब से उड़वा दो। जब ये कंपनी नहीं छोड़ रही है अपना कंटेंट, मतलब जो है भी नहीं उनका कंटेंट, फिर भी उस ट्रेंडिंग एपिसोड्स को जो इंडिया में ट्रेंड कर रहे थे बहुत देखे जा रहे थे वो हमें रोक रही है, डिलीट करवा कर देखने से रोक रही है हमें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ तुम भी उनका कंटेंट उड़ाओ, जिसका भी कॉपी किया है पाकिस्तान से उड़ा दो, डिलीट करवाओ भाई। यार ये तो हद होती है यार, कोई कॉपी ऊपी नहीं था जो उड़वा दिया, खाम खा की स्ट्राइक लगवाना और खाम खा में उड़वा देना। पाकिस्तान से ज़्यादा लोग देख रहे थे यहाँ पर और वो देखना चाहते हैं, अच्छा है कंटेंट, तुम उसको बीट नहीं कर सकते हो, तुम उसको हटवा सकते हो, बीट नहीं कर सकते। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।